फिर है बच्चों सेकंड वीडियो समर, समर यानी गर्मी। समर लास्ट फ्रॉम द मिडल मार्च टू जून। समर कब से स्टार्ट होती है बच्चों? मार्च से जून तक, मतलब मार्च में स्टार्ट होती है, जून तक रहती है। इट इज़ प्रेजेंट ड्यूरिंग मार्च, ये सुहावनी, बहुत ज़्यादा सुहावनी, सुहावनी यानी कि थोड़ी थोड़ी शुरू होती है मार्च में। अनकम्फर्टेबल इन अप्रैल, और अनकम्फर्टेबल यानी कि इसमें हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगनी शुरू हो जाती है। एंड हॉट इन मई, और मई में गर्म हो जाती है। एंड स्कॉल्डिंग इन जून, और जून में सबसे ज़्यादा गर्म, सबसे ज़्यादा गर्मी कब होती है? जून में सबसे ज़्यादा गर्म हो जाती है। द टेम्परेचर इन नॉर्थ इंडिया इज प्लेन्स, जो तापमान है नॉर्थ इंडिया का यानी कि उत्तरी भारत का मैदानों का, वो राइजेस ओ टू 45 डिग्री सेल्सियस, 45 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर उठ जाता है। द डेज आर हॉट, जो दिन होते हैं बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। द डे इज लॉन्गर देन नाइट, जो दिन होते हैं वो बड़े होते हैं नाइट से। इन सम पार्ट्स ऑफ नॉर्थ एंड वेस्ट इंडिया दैट कवर्स द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, कुछ पार्ट हैं नॉर्थ और वेस्ट इंडिया के जो कवर करते हैं कौन कौन से स्टेट को? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ETC। हॉट विंड्स कोल्ड लू ब्लो, जो वहाँ पे लू चलती हैं, बहुत ज़्यादा गर्म हवाएं चलती हैं, उनको बच्चों बोला जाता है लू। क्या बोला जाता है? लू। फिर है द शिफ्टिंग ऑफ सैंड डंस बिकॉज ऑफ द मूविंग विंड्स केजेस डस्ट स्टॉर्म्स इन द डेजर्ट रेन ऑफ वेस्ट इंडिया। बच्चों शिफ्टिंग होता है स्थानांतरण, जब मतलब मिट्टी का, रेत का, सैंड होता है रेत, रेत का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होता है क्योंकि वहाँ हवाएं चलती हैं। बिकॉज ऑफ द मूविंग विंड्स, जो हवाएं चलती हैं, केसेस डस्ट, वो डस्ट का यानी कि गंदगी का, धूल का कारण बनती है। स्टॉर्म्स इन द, स्टॉर्म तूफान लाती हैं, डेजर्ट रेन ऑफ वेस्ट इंडिया, जो दक्षिण वेस्ट भारत का, वेस्ट साइड का क्या है, क्षेत्र है, वहाँ पर धूल वाली हवाएं चलती हैं। मैनी पीपल गो टू हिल स्टेशन लाइक शिमला, बहुत सारे लोग हिल स्टेशन पर जाते हैं जैसे शिमला में, नैनीताल, ETC। टुवर्ड्स द साउथ, जो साउथ की साइड है इंडिया, इज पेनसुला, पेनसुला होता है बच्चों वह भारत का क्षेत्र जो तीन तरफ से, यानी कि अगर हम भारत को नीचे की साइड से ऐसे ऐसे करके देखते हैं तो इसके यहाँ पे भी जल है, यहाँ पे भी जल है, यहाँ पे भी जल है, तो इसे बोलते हैं पेनसुला, जिसके तीन यानी कि प्रायद्वीप, पेनसुला होता है प्रायद्वीप, जिसके तीन ओर पानी होता है, ठीक है। हैज़ वाटर ऑन थ्री साइड्स, ये थ्री साइड्स पानी रखता है। सो कूल सी, जो समुद्र की ठंडी हवाएं होती हैं, ब्रिज ब्लो, वो तूफान आती हैं। एंड द समर सीज़न इज़ नॉट सो हॉट, और जो गर्मियों का दिन होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होता है क्योंकि वहाँ से ठंडी ठंडी हवाएं समुद्र के पास से उठती रहती हैं। हाउएवर, हालांकि पीपल स्वेट ए लॉट इन रीज एरियाज, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पसीना भी निकलता है लोगों का। मैनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर नॉट अवेलेबल, और यहाँ पर बहुत सारे वेजिटेबल एंड फ्रूट्स भी अवेलेबल नहीं है। बच्चों आज के लिए इतना ही, आगे का चैप्टर हम कल रीड करें, नेक्स्ट टर्न पर रीड करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।